वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी इस एपीसोड विच सरदार हरी सिंह नलुआ जी की शहीदी बारे जाणांगे। सरदार हरी सिंह नूं जदों दो गोलियां लगियां तां बड़ी हिम्मत नाल किला जमरौद विच पहुंच गए सन। इत्थे आप दे फट बधे गए, पर किले विच पहुंचण तीक आप दे फटां विचों इन्ना वधेरा लहू निकल गया सी कि जद आप किले विच पहुंचे तां आप दी हालत काफ़ी कमजोर हो गई सी। पर यह गल तो किसी के चित चेते ही नहीं सी कि खालसे नूं अपनी जिंद जान तो भी प्यारा सरदार हरी सिंह अज ही सदा का विछोड़ा दे जाएगा। इस तो पहला आप कई बारी फट्टड़ हुंदे रहे सन, पर थोड़े दिनों के इलाज नाल आप उस तरह नवे नरोए हो जाते रहे। दूजा, आप जी की बोलचाल विच उस तरह शेर वाली गर्ज अते दबदबे की शान कायम सी। हुण फट्टा तो खून का आना भी कुछ घट गया सी, पर दर्द की खेचल पलो पली वध रही सी, जिस करके सरदार महा सिंह जो आप जी के इलाज लई दौड़ भज कर रहे सन कुछ भयभीत जहे हो गए। हुण सूरज लै गया सी, अफगाना लख लख शुकर किया जो मसा मसा हनेरी रात आई, जिस करके उन्होंने पिछे परत जाण दा खुला समा मिल गया अते सारा लश्कर रातों रात कूच करके टके पहुँच गया। इधर सरदार धन्ना सिंह अते सरदार अमर सिंह ने जब देखा कि वैरी मैदान छड के पिछे परत गया है तो यह सरदार सने अपनियां फौजां दे अपने कैंप विच परत आए। इस समय फौज विच जेड़ा भी सुनदा सी कि सरदार हरी सिंह जी फट्टड़ हो गए हन तां इह यतन करदा सी कि मैं किसे तरह सरदार जी दे पलंग कोल पहुँच के दर्शन करा। इस तरह ना तो सारी फौज दे आउण लई किले दे अंगद जगह दी गुंजाइश सी अते ना ही किलेदार सरदार महा सिंह ने यह योग समझिया कि बहुत भीड़ भाड़ सरदार जी दे लागे इकट्ठी कीती जाए। हाँ, इन्हां रेजिमेंटां दे मुखी सरदारां नूं किले दे अंदर बुला लिया गया। इस समय सरदार हरी सिंह ने अपने पुराने साथियों नूं अपने लागे देख के इन्हां नूं आख्या, मैं आप सारे सूरमियां नूं अज किला जमरौद नूं वैरियां तों बचाउण अते फतेहा लई वधाई दिंदा हाँ। मैं जानता हाँ कि आपने मेरे नाल रल के खालसा राज दे वाधे लई अपने आप नूं कठिन तों कठिन औकड़ां विच पैण तों कदे भी मूँह नहीं मोड़िया। मैनू इस समय अंतर आत्मे कुछ मालूम हो रहा है कि मेरी उस सफर लई तैयारी नेड़े है जिस तों परत के कदे कोई नहीं आया, पर मैनू अज ये देख के अनंत खुशी है ते माण है कि आप उन्हां जरवाणियां दे देश विच खालसाई फतेह दे झंडे चुला रहे हो जिन्हां दे नाम तो देश देशांतरां विच लोक कंबदे सन। अज आपने उसे रणभूमि विच फतेह पाई है जिथे अज तो 800 साल पहला इन्हां लोकां दे वड्डे वडेरियां हिंदुआं हिंदू पत राजा जयपाल पर दूजी वार फतेह पा के ना केवल उस तो हिंद दा राज भाग ही खो लिया सी बल्कि देश दी पत ते आबरू नूं भी पैरां हेठ लताड़ सुट्टिया सी। हाँ, अज लख लख शुकर है उस करतार दा जिस दी मेहर नाल खालसे ने असंभव नूं संभव कर दस्या है। सवासा दा कुछ भरोसा नहीं, पर जे कदी मेरे लिए हुण धुरों सदड़ा आ गया है तां मैं आप तो अगाध खुशी भरे दिल नाल विदा होवांगा। विछोड़े तो पहला एक अंतम मंग मैं होर आप सब तो मंगदा हाँ कि जद तक साडे प्राणा तो प्यारे महाराजा साहब सने फौज दे इत्थे ना पहुंचण, तुसी जीवदे जी किला जमरौद पर झूर रहे खालसी झंडे दी इज्जत नूं वैरियां तो बचाई रखना। दस्या जांदा है कि आप जी कुछ होर भी आखना चाहुंदे सन, पर आप दे फट्टां विच इस समय ऐसा दर्द उठिया जिस नाल मूँह वाली गल मूँह विच ही रह गई। इस दे नाल ही आप जी नूं इक गोता जिहा आ गया जिस करके थोड़े जिहे समय लई आप बेहाल हो गए। कुछ देर दे बाद हुण एक वारी मुड़ आप दीआं अखां खुल्लियां। इस समय सरदार लहणा सिंह घर जाखीए आप दे सामने आए अते सरदार हरी सिंह नूं बड़े वैराग भरे अंदाज नाल आख्या, बापू जी, इन्हां काले पहाड़ां विच आप सारे परिवार नूं किस दे हवाले कर चले हो? दस्या जांदा है कि आप जी ने बड़े ठहराव नाल आख्या, मैं आप सारिआं दी बांह उस सच्चे पातशाह दे हत्थ फड़ाउंदा हाँ जिहड़ा सब दा राखा ते प्रतपालक है। हुण आप नूं मुड़ दर्दां दा दौरा आ पिया अते इस दे नाल ही उन्हां दा हंस सदा वास्ते एक लम्मी उडारी ला गया। बस हुण की सी करतार दी शान, हुण ओह महाबली जोधा जिहड़ा अपने तो कई गुणियां वध वैरियां दीआं सफां पर इस तरह बुक के टुट पैंदा सी जिस तरह शेर मृगां दे वग पर या शहबाज चिड़ियां दी डार पर, इस समय ऐसा निडाल पिया सी कि अपने आप करवट बदलने तो भी असमर्थ सी। हाँ, वह सूरमा जिस दे नाम की धाक सारे संसार विच मन्नी जांदी सी अते जिस दे नाम दा डरावा दे के अफगान मावां अपने जिद्दी ते शरीर रोंदे बच्चियां नूं चुप करवाउंदियां हुंदियां सन, अज संसार तो कूच कर गया है। सैयद मुहम्मद लतीफ हिस्टरी ऑफ दी पंजाब दे सफा 483 ते लिखदा है, सरदार हरी सिंह दे दबदबे दा ऐसा सिक्का अफगाना दे दिलां ते बैठ गया सी कि अज तीक हरिया
आख के उसका नाम दोहराते हैं। तो पेशावर के लागे के इलाके मावं अपने पुत्रां नूं डरावा देने लई उसका नाम लैंदियां हन। इस तरह मौलाना मीर अहमद तवारी सरहदी के सफा 149 पर लिखता है, सरदार हरि सिंह के नाम से लोग डरा करते थे। इलाका पेशावर में तो इस कदर इसका रोब था कि माएँ अपने शरीर बच्चों को कहा करती थी कि अगर तुम नेक ना बनोगे तो हरि सिंह तुमको पकड़ कर ले जाएगा। और छोटे छोटे बच्चे तो हरि सिंह को एक हौवा ख्याल किया करते थे। भाव सरदार हरि सिंह नूं इस समय 2 गोलियां एक पेट अते दूजी वक्खी विच लगियां सन। वह समझ गया सी कि मेरे फट ऐसे गहरे हैं, हुण मेरा जीवन असंभव है। पर इस गल नूं मुख रख के कि किते फौज विच बेदली ना खिलर जाए, वह बड़े हौसले नाल घोड़े पर अपने डेरे तक पहुँच गया। उत्थे उसने घोड़े तो उतारिया गया। इस दे अद्धे घंटे बाद खालसे दा सब तो बहादुर जरनैल अते ओ हस्ती जिसका दबदबा अफगान मावां लई इन्ना डरावना सी, ओ अपने शरीर बच्चियां नूं उसका नाम लैके डराउंदियां सन, संसार तो कूच कर गए। क्योंकि ये सर लैपल ग्रिफन लिखदा सी, जिसका हुण व्याख्या कीती गई है। उन्हें लिखा है, हरि सिंह वॉज स्ट्रक बाय 2 बॉल्स, 1 इन द साइड एंड अदर इन द स्टमक। ही न्यू ही वॉज मॉर्टली वॉन्डेड, बट फियरिंग टू डिस्करेज हिज मैन He turned horse's head and managed to ride as far as his tent. He swooned as he was taken from his horse, and half an hour late, the bravest of the Sikh generals, the man with the terror whose name Afghan mothers used to quiet their fretful children, was dead. Hun Sardar Maha Singh ne sane apne kuj nami sardaran de ik sadharan ikatth kita te is gal de faisle layi vichar kiti gayi ke Sardar Hari Singh ji di mrityu de sanskar bare ki kita jaye। कई गल्लां नूं मुख रख के यह फैसला किया गया कि उसे ही रात नूं जद काफ़ी रात बीत जाए तो चुपचाप बिना किसी दिखलावे दे आप जी का अंतम संस्कार किले के अंदर ही कर दिता जाए। सो इस फैसले अनुसार सरदार महा सिंह ने सारा लोड़ींदा प्रबंध अपने भरोसेयोग साथियों की सहायता नाल कर लिया। जद अद्धी रात बीत गई तो हर पासे हनेरा ही हनेरा पसर गया, तो किले की चढ़ती नुक्कर वाल कनातां दे अंदर राजे महाराजियां तो उच्ची शान ते शौकत वाले बहादुर सरदार हरि सिंह नलुए का अंतम संस्कार बड़े तरीके नाल कीता गया। अते जब तक लाहौर तो मदद इत्थे ना पहुँच गई, उस वक्त तीक सरदार महा सिंह ने इन्हां कनातां पर पैरा लगाई रख्या। उसके कुछ दिनों बाद आप दी विभूति ते कुछ कुफुल सरदार जी के परिवार के मंगण पर उन्हां नूं दित्ते गए। 22 दे अंगीठे पर एक समाध तैयार की गई जो अज तक किला जमरौद विच मौजूद है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।